की है जिसकी कीमत 2.5 लाख रुपए बताई जा रही है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जांच शुरू कर दी। अवैध शराब बोलेरो में भरकर घाटा बिल्लू से पीतमपुर लाई जा रही थी। पुलिस को मुखबिर से सूचना मिलते ही पीतमपुर के डाक बंगले चौराहे पर पुलिस ने नाकाबंदी कर दी। उसी दौरान घाटा बिल्लू से आ रही बोलेरो को पुलिस ने जब रोका तो उसमें से एक आरोपी अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गया, जबकि उसका एक साथी पुलिस के हत्थे चढ़ गया। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। पकड़ी गई अवैध शराब की कीमत करीब 2.5 लाख रुपए बताई जा रही है। अवैध शराब की यह दूसरी बड़ी कार्रवाई पीतमपुर पुलिस ने इन 2 दिनों में की है। आज दिनांक रात्रि में श्रीमान टी साहब को मुखबिर से सूचना मिली थी कि घाटा बिल्लो तरफ से अवैध शराब एक बिल्लो में भरकर पीतमपुर सेक्टर 1 में आ रही है। इस पर से उनके निर्देशानुसार बल लगाया गया, जो डाक बंगला तिराहे पर चेकिंग लगाई गई, जिधर से एक बिल्लो आ रही थी जिसको रोका गया। जैसे ही रोकी गई उसमें से एक आदमी उतर के भागा और उसको दौड़ने पकड़ने का प्रयास किया गया, पर वो अंधेरे का लाभ लेकर भाग गया। गाड़ी की तलाशी लेने पर उसमें 63 पेटी देसी शराब मिली गई जिसकी कीमत है करीबन 2.5 से 3 लाख रुपए है जी। एक आरोपी पकड़ाया गया है जी, जिसको गिरफ्तार किया गया है, कार्रवाई की गई है, बाकी आगे की कार्रवाई जारी है।